मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी इस वीडियो में मैं आपको दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत निष्ठा FLN3 कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं से परिचित कराने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं। बिंदु एक, वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम FLN3 दीक्षा पोर्टल के माध्यम से 15 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। बिंदु दो, निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल 12 मॉड्यूल NCERT द्वारा विकसित किए गए हैं। बिंदु तीन, हर माह दीक्षा पोर्टल पर 2 मॉड्यूल अपलोड किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 6 माह में इस प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा। प्रशिक्षण की समय सारणी इस प्रकार रहेगी। 15 से 31 अक्टूबर 2021 तक कोर्स एक, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, मिशन से परिचय एवं कोर्स दो, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना रहेगा। 1 से 30 नवंबर 2021 में कोर्स तीन, शिक्षार्थी को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, तथा कोर्स चार, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका को समझना रहेगा। 1 से 31 दिसंबर 2021 तक कोर्स पांच, बुनियादी भाषा एवं साक्षरता एवं कोर्स छह, बुनियादी संख्या ज्ञान रहेगा। 1 से 31 जनवरी 2022 तक कोर्स सात, सीखने का आकलन एवं कोर्स आठ, FLN के लिए अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी रहेगा। इसके बाद 1 से 28 फरवरी 2022 तक कोर्स 9, टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में ICT का प्रयोग एवं कोर्स 10, प्रारंभिक वर्षों में बहुभाषी शिक्षण रहेगा, तथा अंत में 1 से 31 मार्च 2022 तक कोर्स 11 है, FLN के लिए स्कूल लीडरशिप का सुदृढ़ीकरण, अवधारणाएं और अनुप्रयोग एवं कोर्स 12 है, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र रहेगा। किसको करना है यह प्रशिक्षण? सभी डाइट फैकल्टी, ARP, KRP, SRP व कक्षा 1 से 5 तथा कंपोजिट स्कूल के कक्षा 1 से 5 के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र को सभी 12 निष्ठा FLN3 प्रशिक्षण कोर्स निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण का लिंक कब और कैसे मिलेगा? निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के ब्लॉक टेक्निकल एडमिन के द्वारा विकासखंड स्तर पर ब्लॉक निष्ठा टेलीग्राम ग्रुप अथवा व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रशिक्षण के सभी लिंक प्रशिक्षण से एक दिन पूर्व प्रेषित किए जाएंगे। कोर्स एक का लिंक 16 अक्टूबर 2021 को प्रेषित किया जाएगा। प्रशिक्षण से पहले क्या करें? बिंदु एक, सर्वप्रथम शिक्षकों को अपना विभागीय ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का उपयोग करके दीक्षा ऐप पर लॉगिन या पंजीकरण करना होगा, यदि पूर्व में लॉगिन या पंजीकरण ना किया गया हो। बिंदु दो, प्रोफाइल टैब पर जाकर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें। बिंदु तीन, अगली स्क्रीन्स पर अपना रोल, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल सिलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। प्रशिक्षण करना कैसे प्रारंभ करें? बिंदु एक, प्रशिक्षण हेतु प्राप्त लिंक को क्लिक करें। बिंदु दो, यदि आपको ओपन विद का ऑप्शन मिलता है तो दीक्षा ऐप सिलेक्ट करें। बिंदु तीन, लिंक खुलते ही आप दीक्षा ऐप में निष्ठा प्रशिक्षण की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। बिंदु चार,
यहाँ पर आपको ज्वाइन कोर्स का बटन दिखाई देगा, इस बटन पर क्लिक करें। बिंदु 5, अब आप स्टार्ट लर्निंग बटन पर क्लिक कर प्रशिक्षण करना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? बिंदु 1, प्रत्येक कोर्स को पूरा करने हेतु प्रशिक्षार्थी को ऑनलाइन मूल्यांकन टेस्ट में न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिंदु 2, प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद संबंधित कोर्स का प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। बिंदु 3, सभी 12 मॉड्यूल्स निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने पर निष्ठा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शिक्षक को ऑनलाइन जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद, बिंदु 1, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 0 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा। बिंदु 2, दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग सकता है। बिंदु 3, इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल ARP अथवा निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। बिंदु 4, निष्ठा FLN3 प्रशिक्षण से संबंधित डैशबोर्ड 25 अक्टूबर 2021 से लाइव किया जाएगा। धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता प्रसेनजीत बैस, ARP जनपद कन्नौज।